हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज को डिटेल में डिस्कस करा था, फिर भी न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार अपन उसको एक बार अपन रिवाइज करते हैं। तो अपन लोगों ने कल इस तरीके से एक प्लेन मिरर लिया था, ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे था, ठीक, और जो ऑब्जेक्ट है वो वी नॉट वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा था। तो अपन लोगों ने क्या नोटिस करा था, अपन कहां पे बैठ के सारी प्रोसेस को नोटिस कर रहे हैं, ठीक, मिरर पे बैठ के। तो यहां पर अपन लोगों ने देखा कि तो अपने पास जो इमेज था वो भी वी आई वेलोसिटी से इधर की तरफ आता है। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर मूव करता है तो इमेज भी टुवर्ड्स मिरर मूव करती है। अगर सपोज ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता है तो इमेज भी मिरर से दूर जाती है। और आप सबको पता होता है कि वी नॉट इक्वल टू होता है माइनस का वी आई, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट चलते हैं हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। आगे बस में दूसरी बात अपन लोगों ने क्या करी थी कि अगर सपोज आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मिरर मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इसके मिरर की डबल हो जाएगी, ठीक। और अपन लोगों ने देखा था कि जिस डायरेक्शन में अपना मिरर मूव करता है उसी डायरेक्शन में इमेज क्या करती है, मूव करती है। अगर सपोज आपका अपना मिरर इस डायरेक्शन में मूव करता तो ऐसी कंडीशन पे जो इमेज है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, बट उसका जो वेलोसिटी होगा वो मिरर की वेलोसिटी से जस्ट क्या होगा, आप लोगों के पास डबल होगा। नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या नोटिस करा था कि अगर सपोज आप लोगों के पास ये मिरर है, ठीक, ये इस मिरर का वेलोसिटी कितना है, जीरो, और अगर सपोज ऑब्जेक्ट अगर किसी यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपन लोगों ने देखा था कि जो इमेज है वो भी एज इट इज यू वेलोसिटी से ही ऊपर जाती है। तो अपन लोगों ने क्या नोटिस करा था कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो पैरेलल कंपोनेंट में किस तरीके का कोई चेंज अपन लोगों के पास नहीं आता है, ठीक। उसके बाद अपन लोगों ने क्या बात करी थी कि अगर सपोज आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आप लोगों के पास कितना है, जीरो है, और जो मिरर है वो किसी भी वेलोसिटी से या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर किसी भी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो इमेज का वेलोसिटी आप लोगों के पास कितना होगा, जीरो होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने ये सारी बातें करी थी, अगली बात समझ में, ठीक। अब अपन इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन आज क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब आप लोग, अपन लोगों के पास इस तरीके से मिरर है, यहां पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे इस डायरेक्शन में, और ये एंगल है आप लोगों के पास 37 डिग्री, ठीक। और जो मिरर है, मिरर इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि जो वेलोसिटी होगी इमेज की, सपोज इमेज यहां पे बना लेते हैं, तो आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करके बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा। जल्दी से करो, ठीक है। तो देखना आप लोग, अगर मैं बात करूं तो अपन क्या करें, अपन जो भी वेलोसिटी है, ठीक है ना, जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, अपन पहले इसके कंपोनेंट लें, क्योंकि जो भी अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज करे उसमें ऑब्जेक्ट या तो परपेंडिकुलर मूव कर रहे या फिर प्लेन के पैरेलल मूव कर रहे। अब ये ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो अपन क्या करते हैं इसके कंपोनेंट लेके इसको पहले अपन लोग परपेंडिकुलर और पैरेलल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो फैक्ट है कि इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा इधर की तरफ। अब देखो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आपके पास आ जाएगा 5 cos 37 डिग्री, तो फैक्ट है ये वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 5 into, और ये वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, ठीक। ऐसी कंडीशन पे ही आ जाएगा आप लोगों के पास 4 meter per second, और एज इट इज ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, 5 sin 37 डिग्री, और ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, 5 into 3/5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे 5 से 5 गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, 3 meter per second। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है साथ में इधर भी जा रहा है, अभी तो पैरेलल कंपोनेंट है ना, समांतर घटक है,
ठीक है ना, किसके पैरेलल है, मिरर के, प्लेन के पैरेलल है। तो फैक्ट है अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो इमेज भी 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जाएगी, एज इट इज ऐसी कैसी। ठीक, उसके बाद अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी, पर कितना वेलोसिटी से मूव करेगी, वही एज इट इज 4 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी कि नहीं करेगी। तो ये तो ऑब्जेक्ट के साथ अपन ने इमेज को देखी है, अब अपन किसके साथ देखते हैं, मिरर के साथ देखते हैं। अब आप देखो मिरर इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो फैक्ट है इमेज इधर की तरफ, इमेज इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जाएगी कि नहीं जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अपन को सबको पता है कि जो वेलोसिटी होगी 2 इंटू वीएम होगी कि नहीं होगी। तो फैक्ट है अगर मिरर 1 मीटर पर सेकंड से रहा तो इमेज भी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आएगी। अब आप देखो ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और साथ में लिख दूं माइनस का आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक, प्लस ये कितना जाएगा 3 जे कैप। अब देखो यहां पे जे कैप है, ये भी जे कैप एज इट इज ऐसा कैसा, तो ये आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आएगी कि नहीं आएगी, तो इसकी वैल्यू कितना जाएगी, माइनस का 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये आप लोगों के पास पी आई की वैल्यू होगी। अगे बस में, और अगर कोई मेरे से मैग्नीट्यूड पूछे तो पूछ ले भाई मैग्नीट्यूड, रूट लगा के क्या कर देंगे 36 प्लस 9, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी, रूट में 45 मीटर पर सेकंड ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जिसको आप लोग स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ इमेज। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, कंफर्म समझ में आया ना, ठीक, नेक्स्ट लो आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सपोज अपने पास एक तरीके से ये मिरर है, ठीक, अब ये मिरर इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एज इट इज यहां पे जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक, तो ये और यहां पर अपनी इमेज, तो आप लोगों को फाइंड आउट स्पीड ऑफ इमेज, जल्दी से करके बताओ कि स्पीड ऑफ इमेज कितनी होगी आप लोगों के पास। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं पहले ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, इमेज की बात करता हूं ऑब्जेक्ट के साथ, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज भी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो इमेज इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से आएगी कि नहीं आएगी। ये तो मैंने बात करी ऑब्जेक्ट के साथ, अब बात करता हूं किसके साथ, मिरर के साथ। अब आपको पता है कि मिरर अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, अरे बात समझ में, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, एक तरीके से जो आपके पास मिरर है वो एक तरीके से अपने प्लेन के पैरेलल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर वो ऊपर भी जाता जाएगा तो उसको कोई इमेज और ऑब्जेक्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज एक दूसरे के अभी भी वैसे के वैसे आमने सामने। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इस वाले कंपोनेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो फैक्ट है कि जो इमेज है वो इधर की तरफ ही जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी, कितने से 4 मीटर पर सेकंड से, डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास कितना होता है 2 वीएम होता है कि नहीं होता है, आगे बात समझना आप लोगों, तो अपन लोगों के पास देखो अब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो कितना जाएगा 4 माइनस 3, रिमेनिंग कितना बचेगा 4 की डायरेक्शन में तो बचेगा, तो ये कितना जाएगा प्लस आई कैप प्लस, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये हो जाएगा 4 जे कैप, या एक तरीके से आप लोगों के पास वी आई वेक्टर आया कि नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे वी आई वेक्टर की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो गई, आई कैप प्लस 4 जे कैप हो गई कि नहीं। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो रूट में कितना जाएगा 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो हो गया 16, हो गया प्लस 1, तो आप लोगों के पास वैल्यू जाएगी रूट में 17 मीटर पर सेकंड। अगली बात समझ में आप लोगों को, ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब आप लोग खुद मुझे करके बताएंगे, एज इट इज फाइंड आउट स्पीड ऑफ इमेज, क्वेश्चन नंबर 3।
इधर की तरफ जाना मिरर, ठीक। और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री और इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। और ये एंगल है आप लोगों के पास 60 डिग्री, तो आप लोगों को इमेज के लिए बात करनी है। अगली बात सुनने जल्दी से करके बताओ बेटा। ठीक, तो देखना आप लोग, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर वाला ले लेंगे और एक कंपोनेंट पैरेलल वाला ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, तो जाएगा 10 × 1/2, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास 5 मीटर पर सेकंड। और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री, तो ये जाएगा 10 × √3/2, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5√3 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब इधर वाला कंपोनेंट देखना, इसका इधर वाला कंपोनेंट तो आप लोगों के पास आ जाएगा 5 cos 30 डिग्री, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 5 × cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना जाएगा आप लोगों के पास 5 sin 30 डिग्री, तो ये कितना जाएगा 5 × 1/2, तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से हो गया 5/2। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, पहले ऑब्जेक्ट और इमेज को देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट अगर इतने से इतना 5√3 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो फैक्ट है ये भी 5√3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब ये इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो इमेज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। ये तो अपन ने ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करी, अब अपन बात करते हैं इमेज और मिरर। अब मिरर अगर ऊपर जा रहा है तो ये वाला कंपोनेंट तो अपने किसी काम का नहीं है, अपने जो भी कंपोनेंट काम का होता है वो परपेंडिकुलर वाला काम का होता है। तब आप बहुत ध्यान से देखना, ये इधर की तरफ जा रहा है 5/2 मीटर पर सेकंड से, इधर की तरफ जा रहा है 5/2 मीटर पर सेकंड से, तो फैक्ट है इमेज भी इधर की तरफ जाएगी कितने से 2 × 5/2 से, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आप लोगों के पास आ गया 5 मीटर। अब देखो इस डायरेक्शन में दो वेलोसिटी 5 5, तो टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 10, और ये वाली डायरेक्शन कितनी होती है माइनस का आई कैप प्लस 5√3 j कैप, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। स्पीड आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। आगे बात सुने तो 100 और यहां पे कितना हो जाएगा 25 × 3 हो जाएगा। आगे बात सुने तो इसको सॉल्व कर देना आप लोग। आगे बात सुने नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम अपन। अब नॉर्मली यहां पे तो एक सिंपल केसेस की बात करें, अब आप बहुत ध्यान से देखना, आपके पास जो भी मिरर होगा, ठीक है ना, अपन इसको अपन मान लेते हैं कि सपोज मेरे पास ये एक मिरर है, सपोज मेरे पास ये एक मिरर है, तो फैक्ट है अपन मिरर को भी साइड से देख रहे हैं तो आपको एक लाइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं मिरर को सामने से देखूंगा तो पूरा प्लेन नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो आप लोगों के पास एस एक्सिस होगी, एक आप लोगों के पास वाई एक्सिस होगी। अरे बस में बहुत ध्यान से देखना, एक आप लोगों के पास एस एक्सिस होगी और एक आप लोगों के पास वाई एक्सिस होगी, इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। और ये वाला जो ये जो प्लेन बनेगा, ये प्लेन आप लोगों के पास एक्स वाई प्लेन होगा कि नहीं होगा। तो जो मिरर होता है वो हमेशा कौन से प्लेन में रखा हुआ होता है, एक्स वाई प्लेन में। तो फैक्ट है इनके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो जेड एक्सिस होगी कि नहीं होगी, जो मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। देखो और अपन याद करो, ऑब्जेक्ट को मिरर के परपेंडिकुलर ही मूव करवा रहे। तो फैक्ट है कि अगर मैं इसको ऐसा सामने से देख रहा हूं तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो देखो ये मेरे पास आपको एक लाइन नजर आएगी, और ये लाइन एक तरीके से क्या है, पूरा प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन है, और ये आप लोगों के पास जेड एक्सिस होगी कि नहीं होगी, इधर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पर आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं मिरर की बात करता हूं, ठीक, अगर मैं मिरर की बात करता हूं, ये मिरर की बात करता हूं, तो ये जो मिरर है ये कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक। और यहां पे ये जो एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस होगी, ये आप लोगों के पास एक तरीके से कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ, अरे बस में क्योंकि बाहर निकली हुई है, और फैक्ट है तो इधर क्या जाएगा आप लोगों के पास अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। ये तो आप लोगों के पास हो गया मिरर, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया आप लोगों के पास वाई, हो गया कि नहीं हो गया, और ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या भाई, जेड एक्सिस होगी, देख लो आप लोग। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं, इट मींस वाई एक्सिस पर जा रहा है।
तो ये भी पैरेलल कंपोनेंट हो गया। अगर सपोज ऑब्जेक्ट एस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, अब आप देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तब भी वो प्लेन के पैरेलली तो मूव कर रहा है, चाहे वो इधर जाए चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो इधर जाए चाहे वो ऊपर जाए, हमेशा प्लेन के पैरेलल मूव करता है। और आप सबको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन के पैरेलल मूव करता है, ठीक है ना, तल के समांतर मूव करता है, तो उसका जो कंपोनेंट होता है वो अनचेंज रहता है। कंपोनेंट कौन सा? जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, गति वाला जो घटक होगा वो क्या रहता है? अपरिवर्तित। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ध्यान से देखना, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो पीछे इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही होगी। आगे बस में, अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इमेज भी इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जाएगी, क्योंकि चाहे ऊपर जाना हो चाहे इधर जाना हो, ये दोनों कंपोनेंट आप खुद देख लो प्लेन के पैरेलल है। जो भी चेंज आता है हमेशा किस में चेंज आता है? परपेंडिकुलर वाले में चेंज आता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं, ऐसी कंडीशन पर आप ध्यान से देखना, अगर सपोज आप लोगों के पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, आप लोगों के पास यहां पर अभी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट आप लोगों को दे रखा है इस तरीके से, v वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इस तरीके से कंपोनेंट दे रखा है, इसका वेलोसिटी दे रखा है आप लोगों को। तो वो अगर आपसे पूछे कि आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है, v वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो इमेज का वेलोसिटी कैलकुलेट करो। बात सुनिए आप लोगों को, अब आपको ध्यान से देखना, अब मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं कि x i k plus y j k ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो x y प्लेन है, और x और y में कोई भी चलेगा, कोई भी वेलोसिटी का घटक होगा, ठीक है ना, वो हमेशा प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, तल के समांतर होगा, और उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, तो फैक्ट है इमेज किधर की तरफ जा रही होगी, इधर की तरफ जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। अरे बस समझ आप लोगों को, और इस डायरेक्शन में ये आप लोगों के पास एक तरीके से इस डायरेक्शन में ये जेड होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास। अब मैंने डायरेक्शन शो कर दी, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन शो नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी आप लोगों के पास वो कितनी होगी, एक्स आई के प्लस वाई जे के, साथ में माइनस, और यहां पर कितना हो जाएगा, जेड के कैप, सॉरी यहां पर के कैप लगाएंगे, ठीक है ना, जेड के कैप हो जाएगा। तो माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इमेज किधर की तरफ जा रही होगी, इधर की तरफ जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, इसलिए यहां पे काय का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। लेकिन देखो एक्स वाई में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। आई बस में, तो इससे रिलेटेड, ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ मिरर मुझे गिवन है एक तरीके से कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप बहुत ध्यान से देखना, ये तो मेरे पास मिरर हो गया, और ये एक तरीके से मेरे पास क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, और इधर की तरफ मेरे पास जेड एक्सिस हो गई पॉजिटिव। अब मेरे पास जो वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी मेरे को किसका दे रखा है, ऑब्जेक्ट का दे रखा है, और कितना दे रखा है, वो मुझे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो i कैप s एक्सिस के अलोंग होता है, s अक्ष के अनुदिश होता है, और j कैप भी किसके अनुदिश होता है, y एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है ना, y एक्सिस के अनुदिश होता है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि i कैप और j कैप वो मिरर के प्लेन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, मिरर इस तरीके से, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है तो प्लेन के पैरेलल ही, चाहे ऊपर जाए या फिर इधर जाए, ठीक। तो फैक्ट है कि आई कैप और जे कैप वाला जो कंपोनेंट अपन लोगों के पास होगा वो कंपोनेंट एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप रहेगा, ठीक। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, 4k कैप। अब देखो 4k कैप इधर की तरफ है, 4k कैप इधर की तरफ है, इट मीन इस डायरेक्शन में। तो फैक्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक। और मैं इसको बिना किसी टेंशन के क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 4k कैप। अगर इधर वाली जेड एक्सिस पॉजिटिव है तो उधर वाली जेड एक्सिस आप लोगों के पास क्या होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। आगे ही बात सुनो, उसके बाद आप मिरर की बात करते हैं। मिरर का वेलोसिटी आप लोगों को कितना दे रखा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप नहीं दे रखा क्या? अब आपको पता है कि आई कैप और जे कैप की अगर मैं बात करूं तो आई कैप और जे कैप भी एक तरीके से क्या होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के पैरेलल ही होंगे, क्योंकि आपके पास ये मिरर है, ये अपन लोगों के पास मिरर है, तो इसका एक्स एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के पैरेलल,
इमेज के पैरेलल, अगर सपोज ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है और ये भी ऊपर मूव कर रहा है इस तरीके से, तब भी पैरेलल, और आपको पता है पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होते, तो फैक्टर। और जब मिरर मूव करता है तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ऑब्जेक्ट और इमेज को, तो ये वाले दोनों कंपोनेंट अपन लेंगे ही नहीं। अब आपके पास है प्लस के किप, फैक्ट है कि जो आपका मिरर है वो इधर की तरफ प्लस के किप से जा रहा है कि जा रहा है इधर की तरफ, इट मीन्स वन के किप हो गया कि नहीं हो गया। तो फैक्ट है आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करता है जो इमेज होती है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है और डबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास एक तरीके से टू के किप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मेरे पास अब टोटली जितने भी हैं सबको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस 2k कैप, तो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आएगी वो मेरे पास एक तरीके से कितने निकल के आएगी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2 के कैप, मतलब माइनस 2 के कैप से आपको किधर की तरफ जाते हुए नजर आएगी, दूर जाते हुए नजर आएगी। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, एज इट इज एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड अपन, ठीक है बेटा देखना आप लोग, इसको अपन ले लेते हैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ले लेते हैं 3i कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, और यहां पे इसको ले लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए बात करूं तो वही मिरर हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप हो गया, और अगर मिरर के लिए बात करूंगा तो मिरर के लिए आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, मिरर के लिए जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगली बात समझ में? अब आपको ध्यान से देखना 3i कैप प्लस 4j कैप ये तो पैरेलल कंपोनेंट है और ये तो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो यहां पर आपके पास एज इट इज आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। अब आपको ध्यान से देखना ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 8k से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फैक्ट है अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज उधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो वो डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा माइनस का 8k कैप होगा कि नहीं होगा। आगे बात में, उसके बाद अगर मिरर की बात करता हूं तो मिरर का ये वाला कंपोनेंट तो मेरे काम ही नहीं आएगा। आगे बात समझ में? ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे बचा कितना प्लस 5k प्लस 5 का मतलब इधर की तरफ मिरर मूव कर रहा है तो ये हो गया 5k। आगे बात में, इधर की तरफ मूव कर रहा है, आपको पता है जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करता है उसी डायरेक्शन में इमेज जस्ट डबल वेलोसिटी से मूव करती है, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 10k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास जो वैल्यू आएगी अपन इसको अगर लिखें तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप प्लस 10k कैप, तो वेलोसिटी अपने पास कितनी जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप जाएगी। आ गई बस में? तो कर सकते हैं ना इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और आंसर बताना कि कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक, अपने पास वैल्यू दे रखी एक तरीके से 4i कैप, ठीक है ना, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और इसका वैल्यू अपन लोगों को दे रखा है i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप। आगे ही बात समझे? अब आप लोग मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसके वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा। आई बात समझ में? करना बेटा इसको, ठीक।